सबसे पहले हम ये बतलाना चाहेंगे कि वेक्टर्स और स्केलर्स किस तरीका से बनाया गया। तो दरअसल बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन के आधार पर चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी और इसमें जो दूसरा आता है वो स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों ने 9th-10th या जूनियर क्लासेज में यह पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर में आपने पढ़ा होगा कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन आज हम यह बताएंगे कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। कहते हैं कि अगर कोई एक ब्लॉक है और इसको कोई एक आदमी 20 न्यूटन से आगे की ओर खींचता है और उसी डायरेक्शन में कोई और व्यक्ति 2 न्यूटन से आगे की ओर फोर्स लगाता है, तो हम यह पाते हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, ये वास्तव में आगे ही मूव करता है लेकिन ये 22 न्यूटन से। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें केस बदल दें कि अगर ये 20 न्यूटन से आगे खींचेगा और दूसरा व्यक्ति 2 न्यूटन से इसे अपोज करेगा, तो इस केस में यह जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ेगा लेकिन इस बार 18 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। इसी तरीका से अगर हम लोग एक केस ले लें कि 20 न्यूटन से इसको आगे खींचा जा रहा है और जो 2 न्यूटन है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है, तो इस केस में हम देखते हैं कि ब्लॉक जो है वो ना तो 20 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगा और ना ही 2 न्यूटन के डायरेक्शन में, बल्कि ये इन दोनों के बीच में जाएगा और इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 20² + 2² यानी कि √404 न्यूटन के करीब आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि इन तीनों में हमने 2 न्यूटन और 20 न्यूटन को लिया, और जब इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तीनों केस में, तो हम देखते हैं कि इन दोनों का जो जोड़ है वो बदल रहा है। यानी यहाँ पर देखते हो कि पहला केस में ये आया कि 2 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो जोड़ है 22 न्यूटन आया, इसके बाद फिर से 2 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो जोड़ है सेकंड केस में, उसमें आपने क्या देखा, 18 न्यूटन आया। और थर्ड केस में देखो कि 2 न्यूटन और 20 न्यूटन को जब जोड़ा गया तो इसमें √404 न्यूटन आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो तीनों केस है, इन तीनों केस में 2 न्यूटन और 20 न्यूटन ही लिया गया, लेकिन डायरेक्शन जब अलग होता है तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो अलग अलग आता है। ठीक है, तो ये तो फोर्स हो गया, यानी कि आपने यह देखा कि फोर्स में 2 फोर्स लिया जाए या 2 से अधिक फोर्स लिया जाए उनका जो एडिशन है वो बिल्कुल डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, और डायरेक्शन में बदलाव के वजह से उनका रिजल्ट भी अलग आएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कैलकुलेशन डायरेक्शन बेस्ड हो, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि जिनका कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्शन बेस्ड हो, है ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेक्टर।
ठीक है, यानी इसलिए कैलकुलेशन के आधार पर ही ये वेक्टर बनाया गया है। इसका साफ मतलब है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे उनका कैलकुलेशन जो है वो अलग ढंग से होगा, उसका मेथड अलग होगा, और इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया है कि ये वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा, ताकि आप लोग कैलकुलेशन को करते समय ध्यान रखें कि किन चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे करना है। हम इसी तरीका से एक एग्जांपल में हम इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे दो वायर है, एक ही डायरेक्शन में दोनों को लिया गया है। मान लो दो एम्पियर और 20 एम्पियर का करंट आगे जा रहा है। हम देखते हैं कि आगे जाने पर ये 22 एम्पियर बनता है। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक करंट 2 एम्पियर आगे जा रहा है और एक करंट 20 एम्पियर पीछे आ रहा है, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट है हम देखते हैं जब ये नीचे आता है तो हम देखते हैं कि अभी भी 22 एम्पियर ही इसका रिजल्ट है। इसी तरीका से हम एक केस और लेते हैं कि 2 एम्पियर आगे के डायरेक्शन में जा रहा है और इसके बाद 20 एम्पियर बिल्कुल 90 डिग्री पर हम ले रहे हैं, ठीक है, और इस केस में भी इनका जो रिजल्ट हम निकालते हैं वो 22 एम्पियर ही होता है। आपने यहाँ पर यह देखा कि इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी हमने इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ा और इस बार हमारा टॉपिक था 2 एम्पियर और 20 एम्पियर और इसका रिजल्ट बार बार 22 एम्पियर आ रहा था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने डायरेक्शन को लिया फोर्स की तरह, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को परपेंडिकुलर लिया, लेकिन आपने यह देखा कि इससे इनका जो रिजल्ट है इसमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा, यानी इनका जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्शन बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो जिनका, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वह स्केलर होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कैलकुलेशन में डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा वेक्टर क्वांटिटी, एक होगा स्केलर क्वांटिटी, और आपको बस इतना ध्यान देना है कि वेक्टर क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है उसके मेथड अलग हैं और जो स्केलर क्वांटिटी हैं, है ना, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल से कैलकुलेट होते हैं। तो क्योंकि आप सिंपल अलजेब्रिक रूल से वाकिफ हैं, है ना, तो स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन सीखने की कोई नौबत नहीं आएगी, लेकिन आपको वेक्टर क्वांटिटी में कैसे कैलकुलेशन होगा यह आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग डिफिनीशन इसका दें तो हम लोग इसमें यह बोलेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कैलकुलेशन पूरी तरह से डायरेक्शन पर ही डिपेंड होता है, डायरेक्शन पर ही डिपेंड करता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अब डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा तो सीधी सी बात है वेक्टर में डायरेक्शन होंगे, है ना, लेकिन यह कह देना कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वह वेक्टर है वो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, है ना। कायदे से टाइम को देखा जाए तो टाइम भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ ही रहा है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, है ना, लेकिन तो पर भी कई सारा चीज़ वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्यों? इसका कारण यही होता है कि उनका कैलकुलेशन देखा जाता है कि वे जुड़ कैसे रहे हैं। अब देखो, वेक्टर को